हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम मोटी वाली लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों का मिक्स अचार बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए अचार को बनाना शुरू करते हैं। हमने दो तरह का मिर्च लिया है, मोटा वाला, ये ग्रीन वाला है हरा मिर्च, और ये लाल, इसका हम मिक्स अचार बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। हमें ले लेना है कोई बर्तन, देखिए हमने साफ सी अच्छे से, और इसको हमने पूरे दिन धूप दिखाया है, आप देख सकते हैं कैसे धूप में सूख गया। इसका पानी सूखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी अचार जो है लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। अब इसे हमें ऐसे काट लेना है, हरी मिर्च को ऐसे हम काट लेंगे, इतना बड़ा बड़ा साइज, बहुत तीखा चटपटा अचार जो है बनता है, बीज नहीं निकालेंगे। और लाल मिर्च को भी हमें ऐसे ही मोटे मोटे हिस्से में ऐसे ही काट लेना है, इसका भी हम बीज नहीं निकालेंगे। देखिए ऐसे ही दोनों तरह के मिर्च को, मोटे वाले को हम काट के तैयार कर लेंगे। सारे मिर्च को हमने काट लिया है, और हमने ये ले लिया है कांच का कटोरा, इसमें हम मिर्च को ले लेते हैं। हमने इसे ले लिया, अब इसमें हम जो मसाले यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। जो हमें मसाले यूज़ करना है, ये धनिया, खड़ा धनिया हमने 2 चम्मच, 1.5 चम्मच हमने सौंफ, 3 चम्मच हमने ये पीली वाली राई, और 1 चम्मच हमने ये ज़ीरा और हींग ले लिया है। इसे हम पहले पीस लेंगे, हमें भूनना नहीं है, हमें ले लेना है मिक्सर जार, हमने ले लिया, और इसमें सारे खड़े मसाले जो हैं हम डालेंगे। अब इसे बंद कर लेना है और पीस के तैयार कर लेना है। ज़रूरत के अनुसार हमने सरसों का तेल ले लिया है, अब इसको गरम कर लेना है। तेल जो है गरम हो गया है, धुआं उठने लगा है, हमने चूल्हे को बंद कर दिया। गरम तेल में पीसे हुए मसाले, हमने गरम तेल में सारे मसाले डाल के और मिक्स कर देना है। देखिए मसालों को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, हमने इसे डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम नमक और हल्दी, इसे भी हमें मिक्स कर लेना अच्छे से। अब इसमें जाएगा अजवाइन और मंगरेल, ज़रूरत के अनुसार इसे भी हमने डाल दिया। अब ये सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हमें मिर्च को ले लेना है। मिर्च को लेके अब इसमें हम मसाले डालेंगे, अब ये मसाले हम डाल देते हैं इसमें। सारे मसाले हमने डाल दिया, अब इसे अचार के साथ जो है मिक्स कर लेना है। मसालों को हमने अच्छे से अचार के साथ मिक्स कर लिया है, अब इसमें ज़रूरत के अनुसार अगर आपको डालना हो तो नींबू का रस डाल सकते हैं या आमचूर पाउडर, हमने वो सब नहीं डाला, हमने तीखा इसे बनाया है इसलिए हमने इसमें खटाई का मतलब यूज़ नहीं किया है। अचार जो है बन के तैयार हो गया है, 1 हफ्ते तक इसे धूप दिखाइए और 1 हफ्ते बाद ये खाने के लायक तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप अचार को बनाइए और खाइए, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।